2 घंटे के लिए दिवाली पर जला सकेंगे आतिशबाजी। दरअसल काफी समय से हर जगह कोरोना काल और प्रदूषण के कारण हर जगह आतिशबाजी पर रोक है। सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 2 घंटे के लिए सभी लोग अपने हिसाब से आतिशबाजी कर सकते हैं। बाजार को राहत ये दी गई है कि 2 घंटे के लिए सभी व्यापारी अपने हिसाब से पटाखे बेच सकते हैं, तो आप इस सुनहरे मौके का लाभ उठाकर पटाखे बेच सकते हैं, साथ ही आतिशबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी भी आतिशबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। यदि आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको 1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आकर्षक ऑफर के साथ धनतेरस के लिए तैयार हुआ सराफा बाजार। धनतेरस करीब आ रहा है। हर कोई धनतेरस के शुभ मौके पर सोने चांदी का सामान खरीदना पसंद करता है। ऐसे में सराफा बाजार ने भी ग्राहकों के लिए बेहद आकर्षक ऑफर लाने के साथ अपनी कमर कस ली है। अब आप सोने चांदी के प्रोडक्ट्स में काफी कुछ डिस्काउंट पा सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता के अनुसार इस बार धनतेरस पर रिकॉर्ड बिक्री होने की संभावना है। पिछले 8 महीने की कसर पूरी होने के साथ साथ त्योहारों और शादी के सीजन की डिमांड रहने के कारण इस बार धनतेरस पर काफी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर लौट रही हैं, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।